हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और जबरदस्त होंगे, और जितने भी लेक्चर मिल रहे हैं आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी अभी तक अच्छे से पढ़ाई शुरू करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। अभी गर्मी का दिन है, आप लोग सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत सारा वक्त है, तो जो अभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा वक्त है, वो अभी इस चीज को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे ही आपके एक एक दिन पूरे साल गुजर जाएंगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए वक्त आ गया है मेहनत करने का, है ना। जी तोड़ कर मेहनत करो, ताड़ तोड़ दिन रात एक करो, शुरू कर दो, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है बच्चे लोग। इसलिए प्लीज आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग बेहतर पढ़ना शुरू कर दोगे और एक बेहतर नोट्स के साथ, एक बेहतर क्लास के साथ आप हमारे साथ अटेंड हो सकते हैं। हर दिन सुबह शाम 8 बजे आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं स्पेशल रूप से पढ़ाई करें, साथ में यूपी सीजी एनसीईआरटी पैटर्न पर मैं जितना भी क्लास दे रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न पर। जैसे आज मेरा टॉपिक है मोललिटी या मोललता जिसे बोलते हैं। इसके पहले मैंने मोललता, नॉर्मलता और इन पर वीडियो ऑलरेडी दे दिया है मैंने, तो आप लोग वहां प्रतिशतता वगैरह। अब इसमें जैसे मैं इसको आज पढ़ाऊंगा मोललता, इससे कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो डर बना रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम के टाइम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंक कटेंगे, तो यहाँ जो मेथड है मैं कन्फर्म कर दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जरा मोललता है क्या। एक प्रकार से सांद्रण है, सांद्रता है, बिलियन में बिले की मात्रा। अब बिलियन में दो घटक होते हैं, एक बिले और विलायक। तो जो हमारा मोललता होता है ये विलायक में प्रेजेंट को दर्शाता है कि विलायक में कितना बिले है। विलायक कहने का मतलब जैसे हमारे पास बिलियन, पहले बच्चों ये बिलियन, बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक आपका बिले और दूसरा आपका विलायक, ठीक है। तो जो बिलियन में बिले के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा उसे बोलेंगे मोलरता। क्या बोलेंगे? मोलरता। लेकिन जो विलायक में बिले को रिप्रेजेंट को प्रदर्शन करेगा उसे बोलेंगे मोललता। क्या? मोललता। यानी विलायक में कितना बिले का मोल की संख्या है। अब मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में भी बताया था मोल की संख्या निकालने का तरीका, कि जितना भी बिले है उसकी मात्रा कितनी दे के रखी है और उसका अणुभार कितना है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या यदि निकालना है तो मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितनी है, और दूसरा आपका यहां पर होना चाहिए पदार्थ का अणुभार। क्या? पदार्थ का अणुभार। ये दो चीज क्लियर होना चाहिए, पदार्थ की मात्रा कितनी है और पदार्थ का अणुभार कितना है। ये दो चीज यदि क्लियर है तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मोलों की संख्या निकल कर आती है। अब विलायक हमारे पास किलोग्राम में देके रखा है, ग्राम में देके रखा है। जैसे 1000 ग्राम दिया है, 1 किलोग्राम दिया है, 2 किलोग्राम दिया है, 3 किलोग्राम दिया है, उसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी है, इसे हम कहेंगे क्या? मोललता, जिसे बोलते हैं मोललिटी। इसकी परिभाषा दे दी गई कि किसी बिलियन के 1000 बिलियन की ही बात करेंगे क्योंकि बिलियन में ही प्रेजेंट है, भले ही विलायक के आधार पर हम बता रहे हैं। किसी बिलियन में 1000 विलायक में उपस्थित, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित बिले पदार्थ के मोलों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। परिभाषा आप लोग लिखोगे किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, यहां पर लिखो परिभाषा, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? बिलियन की मोललता कहलाती है, ठीक है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से प्रेजेंट
करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मोललता की परिभाषा के साथ साथ हम फार्मूला लिखना चाहें किसकी, मोललता। देखो जरा, विलायक का 1 किलोग्राम मात्रा है ना, इसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितना विलेय के मोल की संख्या है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। अब थोड़ा समझो, मोल की संख्या हमने क्या कहा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब देखो, यदि मैं इसको किलोग्राम में बता दूं, जैसे हमारे पास ग्राम किलोग्राम में है, इसको यदि ग्राम में बदलूं तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देना और नीचे आपका आ जाएगा विलायक का ग्राम में मात्रा, किसमें, ग्राम में मात्रा। अब इसको यदि रिप्रेजेंट करें स्मॉल m बराबर, तो आपका निकल विलेय की मात्रा को हम दर्शाते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे 1000 बटे डब्ल्यू ए। ये कहां से आ गया सर, इसको आप समझाओ, ये इंग्लिश आपने कैसे लिख दिया, हम भी तो जाने जरा, हम भी तो समझे। देखो जरा, थोड़ा सा आप समझना, यहां पे बिलियन हमेशा दो घटक से मिलकर बना होता है, ठीक। एक होता हमारा विलायक और दूसरा हमारा होता है बिली। आपने पढ़े हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मतलब जो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं, और बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका विलायक और दूसरा होता है आपका बिली। विलायक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और बिलेय को हम बी से, दो घटक है इसलिए ए बी दे दिए। तो जब हम मात्रा की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो आपका निकल कर आता है डब्ल्यू ए, और यदि मैं द्रव्यमान की बात करता हूं, मास आणविक द्रव्यमान की बात करता हूं, तो आपका आ जाता है एम ए। अब यहां पर विलेय है, विलेय की मात्रा आपका भैया डब्ल्यू बी वेट और मास एम ए। अब यहां पर हमने डब्ल्यू बी लिया है विलेय की मात्रा, सही बात है सर, डब्ल्यू बी हमने कर दिया विलेय की मात्रा, एम बी लिया विलेय का अणुभार, ये हमारा एम एम बी होना चाहिए यहां पे, सॉरी बी है इसलिए एम बी होना चाहिए, और डब्ल्यू ए ले लिया विलायक की ग्राम में मात्रा, ये डब्ल्यू ए आपका ग्राम में मात्रा कितना देके रखा है। यदि किसी भी पदार्थ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पदार्थ का किलोग्राम में दिया है, तो पहले उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम इसका निकाल सकते हैं क्या फार्मूला। यहां तक क्लियर है कि मोललता है क्या चीज, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में 1 लीटर आयतन मत बोल देना, यदि 1 लीटर आयतन बोल दिए तो फिर आपका वो मोललता नहीं कहलाएगा, वो मोलरता कहलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, मोललिटी, क्या, मोललिटी। ओके, ये हमारा हो गया एक छोटा सा टॉपिक, मेन तो होता है इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, समय इसमें लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, यानी आंकिक प्रश्न में, जो आंकिक प्रश्न कर लिया वही समझो कि ये इसको करा, यदि आप केवल परिभाषा भर याद करके रह गए तो फिर किसी काम के नहीं है, आप समझ जाओ, मेन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना चाहिए, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो भाई साहब, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं आप लोग, और बेहतर नोट्स के लिए मेरे पर्सनल नंबर 9685 29 51 49 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9685 29 51 49। ये फार्मूला जरूरत पड़ेगा मैं लिख लूंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं, पहला प्रश्न है आज का, 2.82 ग्राम क्या देख रखा है, ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलेय किया जाता है, ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलेय किया जाता है, जल में विलेय किया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, इस आधार पर
इस आधार पर बिलियन की मोल अलता ज्ञात कीजिए। बिलियन की मोल अलता ज्ञात कीजिए। चलो शुरू करते हैं। देखो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कब, जब इसको आप बेसिक से अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ठीक, 2.82 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब बिलय की मात्रा दे के रखी है, बिलय की मात्रा, बिलय मतलब डब्ल्यू बी, 2.82 ग्राम। ठीक, ओके सर। 30 ग्राम जल में मिले है, यानी हमारा विलायक, विलायक की मात्रा यानी वेट डब्ल्यू ए भी देके रखा है कितना, 30 ग्राम। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे, C6H12O6 इसका आप लोग निकालो, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। देखो जरा, एक कार्बन का होता है 12 और 6 कार्बन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है 12 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, ओहो, और ये आपका 12 हाई है, और 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। ठीक, इसको जब आप जोड़ दोगे तो देखो जरा, ये 2 × 2 = 4 है, 2 × 2 = 4 और 96 में जोड़ दो 180 आ गया, ये आपका आ गया MB। क्या आ गया बच्चे लोग, MB। तो सर अब फार्मूला तो हमने पढ़ा है, स्मॉल m बराबर WB/MB गुणे 1000/WA। कौन करेगा सॉल्व, ये WB का मान है 2.82, सही बात है, हाँ सर। MB का मान कितना है, MB का मान 180 गुणे आपका 1000/30। चलो भैया इतनी समर प्यामी काटना शुरू करो, 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 और 3 × 4 = 12, 0.1 अंक के पहले लगा दो। ठीक है, ये हो गया, अब यानी आपका निकल कर आया 0.94/18, 18 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, 18 × 5 = 90, भाग न पहुंचे लब्धे सुन, कितना आ रहा यार। ठीक है, फिर 4 आ गया, 18 × 2 = 36। ठीक है, 4 देखो जरा, सही है, थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। क्यों गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 1.10 यहां था, 1.10 यहां था, तो 9.4 हो गया। जब इसका हम करेंगे कैलकुलेशन तो 0.18 × 95, देखो भाई 94 है ना, तो 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 90 से ज्यादा हो जाता है, तो 18 × 95, 94 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 40 आ जाता है, 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब 18 का पहाड़ा पढ़ना है 40 से ज्यादा, तो 18 × 2 = 36, ये पॉइंट का खेल था, ये आ गया। यदि हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितना विलेय है वो उसका मोललता कहलाता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर आ गया है करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ सर ठीक है, क्लीन 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 क्लीन, प्लीज 1 मिनट वेट। अरे अब क्या डाउट है यार, क्या दिक्कत है बताओ ना जरा, हमें तो भी बताओ, ताकि हम रिवीजन में आपके लिए क्वेश्चन ला सकें फिर से। अब ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ, पहला अंकिक क्वेश्चन हुआ बच्चा, अभी और है, हम क्वेश्चन मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं, बाकी हम सेम रहने देंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन करना है, फार्मूला भी हम सेम रहने देते हैं, बस वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से कर लेंगे, सही बात है कि नहीं, हाँ सर ठीक है। चलो देखो, कम समय में कोशिश करूंगा, इसलिए मैं यहां पे इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको सेम का सेम रहने देता हूं। क्वेश्चन है 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में
500 ग्राम जल में NaOH घुला हो 4 ग्राम, 4 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। इति समर्पयामि, हल करना स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। बिले जिसको मिलाते हैं वो हमारा बिले है, इसमें हम किसको मिलाए हैं, NaOH को मिलाए हैं जिसकी मात्रा 4 ग्राम है। हाँ सर ठीक है, जल बिलायक इसका कितना है 500 ग्राम है, ठीक। बिले का आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकालोगे, सोडियम का होता 23, 8 परमाणु क्रमांक, 8 × 16 और हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के बच्चे लोग आ गया 40, कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, मतलब आपका MB निकल कर आ गया है 40। हमें तीन चीज तो चाहिए होता है, तीन चीज चाहिए होता है, WB 4, MB 40 और आपका 1000 और WA 500। जरा देखो 500 दूना 4 दाहम 2 पंचा 1 बटा भाग न पहुंचे लब्ध सुन 5 दूना 10, ठीक 1/5, ठीक है। ये आ गया, देखो जरा, पहले हम विलेय की मात्रा निकाले, दूसरा हमने विलायक का निकाल दिया, हमारे पास आणविक द्रव्यमान कितना है, फिर मोललता कितना है, ये देखो कंप्लीट हो गया, ठीक। क्योंकि धीरे धीरे करके और क्वेश्चन आपको टफ मिलता जाएगा, इसलिए आप लोग पहले इजी क्वेश्चन कर लो, फिर हम आगे और क्वेश्चन कराएंगे। मैंने पहले भी आपसे वादा किया कि जितने भी टॉपिक में कराऊंगा, हर एक टॉपिक में आपको कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ये ना लगे कि ऐसे भैया इतने इजी के बाद हमें कोई क्वेश्चन ही है ना हमारे बुक में नहीं मिले, सर कहाँ से करा दिए आप, क्वेश्चन कहीं से भी हो मेथड आप समझो। देखो जरा एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बोतल में रखे सांद्रष्टीय सुफोर का सांद्रण, एक बोतल में रखे सांद्र H2SO4 का सांद्रण, H2SO4 का सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार 49% लिखा है, 49% लिखा है, हा 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 हा, 100 में है ना 49, मतलब 100 में 49 यानी 49 तथा उसका घनत्व, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तथा उसका घनत्व, ये क्वेश्चन बच्चा समझो आप लोग, इस क्वेश्चन में मजा आएगा। उसका घनत्व 1.5 ग्राम प्रति ml है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो विलयन की मोलरता, नॉर्मलता तथा मोललता, अच्छा मोललता बल निकालना है ना, तो बिलियन की यहां पे मोललता, बिलियन की मोललता निकाल रहे हैं क्योंकि मोललता का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोललता निकालना है, विलायक से निकालना होता है मोललता, ठीक है। एक बार आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लो कि एक बोतल में रखे सांद्र H2SO4 का सांद्रण 49% है, मतलब यदि बिलियन 100 है तो उसमें बिले आपका 49 है, तो 49 बिले हो गया तो विलायक आपका 51 हो जाएगा। फिर घनत्व तो देके रखा है, घनत्व तो कितना देके रखा है 1.5 ग्राम, तो घनत्व तो की जरूरत है क्या, घनत्व तो की जरूरत है क्या, है कि नहीं वो देख लेंगे। तो फिर से वही निकालना है यार, हमने है ना बेफजूल में मिटा दिया, यदि मैं H2SO4 की मात्रा 100 में 49% है, अर्थात WB बिले का वेट है 49 ग्राम, ग्राम कर देता हूं, किसमें, ग्राम में,
ग्राम में कर देता हूं। तब तब विलायक का विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चा लोग, 100 में यदि 49 को घटा दो तो 51 ग्राम, क्या सही है? हाँ सर सही है। अब हम आपसे कह दें कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालो। आणविक द्रव्यमान जरा आप लोग बताओ, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे? भूले भुलैया खेल मेरे भैया। चलो देखो, दो हाइड्रोजन है, दो का मल्टीप्लाई एक से, प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है 16 × 32, तो 32 कर दिया हम। ऑक्सीजन 16 और 16 × 4 करो तो 16 × 4 = 64, 2 × 1 = 2, धन 32 धन 64 कितना आएगा बच्चा लोग, जोड़ दो जरा, 4 × 2 = 6 × 2 = 8 और 98 आ गया, कितना आ गया 98। ठीक है सर, तो मोललता निकालो आप। मोललता का है WB/MB गुड़े 1000/WA, हो सही बात है ना? हाँ सर WA। अब देखो WB क्या है, विलेय की मात्रा है 49 ग्राम, हाँ MB H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है आपका 98 और भैया 1000 बटा 51 कौन करेगा इसका मल्टीप्लाई, है ना, कौन करेगा इसका मल्टीप्लाई, करें जरा। चलो सर करते हैं, इसको देखो 49 × 1 = 98 और 2 से काटो 2 × 5 = 10, 500 यानी आपका आ गया 500/51। 51 का यदि 10 से गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 510, लेकिन 500 है तो 9 से जाएगा, 9 से कर दो पहाड़ा भैया, 9 × 45 आएगा, इतना आ गया। और 500 में घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग, हासिल आ जाएगा एक इसमें तो 6 हो जाएगा, तो 4 = 41 आ रहा है। दशमलव में पहाड़ा पड़ो 51 का कि कितना आ रहा, 410, तो 5 × 8 = 40, लगभग 8 के जाएगा, 8 मोल प्रति किलोग्राम, 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में आ गया आंसर। देखो भाई साहब थोड़ा सा तो वेट करना पड़ता है, तीसरा क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन फिर भी कराएंगे, थोड़ा सा समय भी लगता है समझने में। H2SO4 का मात्रा देके रखा था 49% यानी 100 में 49। अब भैया हमारे पास कोई भी बिलियन 100% होगी तो जब उसमें 49 विलेय ही हो गया तो विलायक हमारा कितना निकल कर आएगा, 100 में से 49 घटा देंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास देके रखा था H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, बोला सर कैसे निकाल लिए, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 16 × 32, ऑक्सीजन का 8 × 16, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, सही है कि नहीं? हाँ सर। चलो तो कोई बात नहीं बच्चा लोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं, बेहतरीन। क्वेश्चन है, एक लवण का अणु भार 30 है, एक लवण का अणु भार 30 है, एक लवण का अणु भार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा, लवण की 3 ग्राम मात्रा, देखो विलेय की मात्रा देके रखी है 3 ग्राम, 250 ग्राम जल में होती है, 250 ही है, 250 ग्राम जल में घोली गई है, 250 ग्राम जल में घोली गई है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है हल। यहां पर पूछा है विलेय की मात्रा, है ना, पूछा नहीं है बताया गया है। देखो भाई कौन आया, विलेय की मात्रा मतलब WA कितना है, 3 ग्राम, सही बात है। अणु भार दिया भाई साहब, आणविक द्रव्यमान दिया है, देखो
चलो, विलायक की मात्रा 250 ग्राम, ठीक है। आणविक द्रव्यमान यानी आपका एमबी आ गया, विलेय का आणविक द्रव्यमान एमबी कितना है भाई साहब बताओ? 30 है। जब सब कुछ दे दिया सर, तो इतना सरल क्वेश्चन ही क्यों दिया है? इतना सरल तो हम लगा लेते, तो चलो आपको छूट दे रहा हूं, लगाओ भाई। डब्ल्यू बी 3, आणविक द्रव्यमान 30, और आपका 100 बटा कितना हो जाएगा? 250। 3 × 30 और 250 का आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4/10 यानी 0.4 आंसर आ गया। 0.4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 0.4 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है भाई साहब। चलो करो फटाफट, करो फटाफट, देखो कितना चोर आया, कैसे कैसे चोर आया। कर लोगे ना आप लोग? थोड़ा भले ही कभी कभी वीडियो नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो स्पेशल आएगा, एक भी कंसेप्ट छूटने नहीं पाएगा। मैं ऐसे ही रहने देता हूं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे तो वही फार्मूला लगाना है। विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान। क्यों रे भाई लाइट, तू भी आज क्या परेशानी में डालेगा? लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाती है भाई साहब, गांव में हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इन्वर्टर है फिर भी लाइट सही नहीं, तो इन्वर्टर कब तक बेचारा काम करेगा? रोटी बस खा लो, चावल नहीं मिलेगी तो आपके दिन कटने वाली नहीं है। कब तक आप रोटी खाकर जिंदगी चलाओगे, समझ रहे हो? ओके सर, क्वेश्चन कराइए आप। 90% H2SO4 बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। 90% H2SO4 बिलियन की मोललता, मोललता ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को रिचेक करते हैं। और एक चीज और दिया है इसमें, वही तो मैं कहा, कुछ और दिया होगा भाई। घनत्व तो दिया है 1.8। ये क्या हो गया है? घनत्व तो है हमारा 1.8 ग्राम प्रति प्रति मिलीलीटर। 1 ml में इतना, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। चलो तो यहां पर बिलियन का घनत्व तो है, बिलियन का हम पहले निकाल लेते हैं भाई साहब, क्या 90%? ओ माय गॉड, ये बोल के रखा है कि जो भी बिलियन होगा उसमें 90% H2SO4 है। बड़ा खतरनाक है सर, इतना ज्यादा मिला है बिलियन में 90% H2SO4, 100 में से 90। तो थोड़ा आप यहां पर देखो, घनत्व तो दे के रखा है, किसका घनत्व है? बिलियन कितना है? 1.8 ग्राम प्रति ml, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक लीटर में बिलियन की मात्रा, एक दशमलव आठ गुणे 1000 यानी हमारा 1800 ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है, 1800 ग्राम घुला हुआ है। अब इसमें H2SO4 का 90% भाग, यानी बोला है 1800 के 90%, 100 में से 90, तो 00 से 00 काट दो, ठीक है, 18 नहीं आ, 162, सही बात। इतना ग्राम तो आ गया किसका भैया? एक पहला H2SO4 यानी बिले का आ गया, किसका? बिले का मात्रा, बिले की मात्रा, मतलब निकल कर आया है WB बराबर 1620 ग्राम। तो सर आप बताओ, तो हम विलायक कैसे निकालेंगे?
विलायक की मात्रा कैसे निकलेगी? विलायक की मात्रा निकालने के लिए, मतलब डब्ल्यू ए निकालने के लिए काम करेंगे, जितना बिलियन है बिलियन में से हम 1620 घटा दें तो कितना आएगा भैया? 0, 8 और 180 ग्राम। ये लो भाई साहब, अब सब कुछ निकल कर आ चुका है और आपका H2SO4 है। यदि मैं कह दूं यहां पे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, तो अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने कराया था 98, कितना 98। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस मोल एम बराबर? डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे 1000 बटे डब्ल्यू ए। कैलकुलेशन कर लो, घर में कर लेना। कोचिंग पढ़ने थोड़ी ना आए हैं सर घर में, अभी कराओ, नहीं तो फिर हम चैनल छोड़कर चले जाएंगे। 1620, बहुत सारे बच्चे धमकी देंगे सर कराना हो तो ठीक है, नहीं तो चले हम। आपके बस की बात नहीं है सर, आप मत पढ़ाओ, आपके बस की बात नहीं है। डब्ल्यू ए कितना देके रखा है? 180। आपके बस की बात नहीं है, आप मत पढ़ाओ, चलो घर चलते हैं। ठीक है, ये 0 से 0 काट दो, 16 नहीं 162 ये आ गया आपके पास। यानी और भी काटोगे लेकिन यहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा। 90 × 1000 बटे 98, 90 × 1000 बटे 98। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करो यार, कैलकुलेशन कर लो ना। हम एक काम करते हैं, पहले 2 से काट देते हैं, 2 से कट रहा है, क्योंकि 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18 और 2 × 5 = 10, ये कट गया। और इसको करेंगे 9 × 5 = 45 और 3 × 0 और फिर 49 का भाग। यदि हम इसको काटे तो लगभग 91 आएगा और मैं आपको करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे डाउट होता है। और एक कमजोर छात्र जो बिल्कुल कुछ नहीं बन रहा है ना, वो भी हमारे चैनल पे आता है और उसके लिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। अब लिख लिए होगे ना यार, यहां से देन देना 1620 ग्राम था, नहीं कह दो सर कहां से आ गया। देखो जरा भाग दे रहे हैं, 45000 में भाग दो 49 का, नइयों से जाएगा, नइया 81 और नचों को 36, 36 × 8 = 44 है ना, ये 9 हो जाएगा, 10 में 1 गए 9, हासिल आ जा गया, 0 कट जाएगा। ठीक, फिर ये 0 आएगा तो 49 × 1 = 49, 1 हो जाएगा 5 × 4, फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 × 0 = 3 × 0। ठीक है भैया, ये देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट में आ रहा है मुझे कि 1 × 0 से 0 कट गया था है ना, और फिर यहाँ पे 1000 बचा ही नहीं था तो यहाँ पे 50 बचता, तो 1 × 0 कम बचता। ठीक, दशमलव में लगा दिया, फिर आप करोगे तो 8 से जाएगा, लगभग 91.8 आएगा। ठीक, ये देखो, क्योंकि भाई यार क्वेश्चन कराते कराते आंसर इतना याद रहता है कि कहीं ना, जब भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने गलती कर बैठा था, देखो भाई साहब ये 0 था, 0 से 0 कट गया था, 2 × 0 बचे थे। ठीक है, तो 90 × 100 होना चाहिए, फिर हमने 2 से काटा तो 49 हो गया, 50 हो गया, 9 × 4500 = 49 और हमने जब कैलकुलेशन किया तो आ गया 91.8। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए भाई साहब आप लोग? 2-4 हुए कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हो गए है ना, और इस क्वेश्चन को आप लोग करो। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, ये क्वेश्चन शायद आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब आप इस तरीके से नहीं दे सकते हो क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन भिन्न दे के रखा है। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चन कर लिया करो। किसी बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर बोर्ड में लिख दिया करो, मैं एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को, एक एक परिभाषा बोर्ड में लिखता हूँ। जो नोट्स बनाता है ना, तो नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो उन बच्चों को कहता हूँ कि प्रॉपर रूप से विधिवत तैयारी करने के लिए, कुछ यदि छूट जाए वीडियो में तो आप नोट्स से कवर कर सकते हो, वो नोट्स 100 रुपए लगा कर ले, 96 85 29 51 49 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 96 85 29 51 49
H2SO4 की मोललता देखी रखी है, मोलरता क्वेश्चन है, H2SO4 की मोलरता कितना है जानते हैं? 18 मोल है ना? ठीक। इसका घनत्व तो 1.8 ग्राम, इसका घनत्व तो 1.8 ग्राम है ना? ठीक। तो मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता बराबर ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक। तो जब मोलरता और घनत्व देके रखे तो एक फार्मूला होता है मोललता का, किसका? मोललता का। इसका फार्मूला होता है मोलरता बटे घनत्व माइनस आपका हो जाएगा मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान, मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटा 1000। ये बड़ा खतरनाक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लो। मोलरता कितना है? 18 है, तो 18 कर दो। घनत्व तो 1.8 है, माइनस में मोलरता कितना है? 18 है। आणविक द्रव्यमान H2SO4 का 98 आए, कितना आएगा? 98 बटे 1000। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चा लोग तो 1000 का यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो भी ये तो नीचे ही रहेगा ना, फिर नीचे का ऊपर जाता, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1 जीरो तो कट जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 1800 माइनस 98 गुणे 18 कर दो, 98 गुणे 18 कर दो तो 8 × 64 = 4 हासिल 6, 8 × 9 = 72, 72 × 6 = 78, 1 × 8 = 99, 4 × 8 = 16 = 6 हासिल 1 हो जाएगा, 8 × 16 = 17, 1764 आ रहा है, 1764 तो कितना निकल कर आएगा ऊपर? 18000 रहने तो बटा में कर दो, 1764 में यदि घटाओगे तो आपका कितना निकल कर आएगा? 36। कितना निकल कर आएगा? 36। कितना आएगा? 36। और यदि मैं 36 का पहाड़ा 5 बार पढ़ तो 5 × 180, यानी आंसर आ गया आपका मोललता 500 आ गया, आंसर आ गया। ये हो गया भाई साहब, और प्रैक्टिस के लिए इतना काफी है, और क्वेश्चन है लेकिन मैं आज इतना ही करा रहा हूं, और अब रिवीजन में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के पहले बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बेहतर रूप से तैयारी करते रहें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।